हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्चनाज विलेज किचन में। आज की वीडियो में मैंने बनाया है क्रिस्पी कुरकुरा झटपट से बनने वाला आसान सा नाश्ता। और ये एक ऐसा स्नैक्स है जिसे बनाने के लिए कोई भी सामान बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। सभी सामान हमारे किचन में आसानी से मिल जाते हैं और सिर्फ दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप इसे सुबह शाम की चाय या नाश्ते में बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सेम मात्रा में, मतलब दोनों मात्रा हमने सेम रखी है। यहाँ पे एक कटोरी में सूजी ली है हमने, एक में हमने चना बेसन लिया है। दोनों की मात्रा हमने बराबर रखी है ताकि ये बहुत अच्छे बनेंगे। और एक हम बाउल लेंगे और बाउल उसमें हम सूजी और बेसन को डाल देंगे। और इसे डालने के बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर और फिर उसके बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जितना आप नमक पसंद करते हो। और इन दोनों चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। और दोनों मात्रा हम सेम रखेंगे तो हमारे जो ये नाश्ता है बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छा बन के तैयार होगा, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो इसको मिलाने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। और इसे मिलाते हुए हमें एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर इसका तैयार करना है हमें। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाएंगे तो ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह ना पड़े। और इसमें हमने सूजी लिया है, सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, मोटी पतली इससे मतलब नहीं होता है। और इसे हम पानी इतना डालेंगे कि सूजी है तो फूलेगी और फूलने पे गाढ़ी हो जाएगी, तो पानी इतना डालेंगे कि फूलने के बाद भी ये हो जाए सही। और फिर उसके बाद हमें कढ़ाई में ज़्यादा तेल की हमें ज़रूरत नहीं है, इसमें हमने 2 चम्मच या फिर 1 चम्मच जितना कम से कम तेल में आप बना सकते हैं। और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा से तड़का देंगे, उसमें डालेंगे हींग और 2-3 बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे। और उसके बाद इसमें हम अदरक और लहसुन का दरदरा कूटा हुआ पेस्ट डाल देंगे इसमें। और सारी चीज़ों को हमें हल्का सा भुनना है, ज़्यादा नहीं भुनना है, हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, बस कच्चापन इसका निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इसका कच्चापन निकल गया है। तो अब इसमें हमने जो ये बैटर बना के रखा था सूजी और बेसन का, इसे हम थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाते हुए इसे इसमें डाल के और पकाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैं थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ, ज़्यादा एक साथ नहीं डाल रही हूँ। और इसको चलाते हुए हम इसके इस तरह से बनाएंगे। और आँच को हमें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे करके नहीं बनाना है, आँच को हमें कम ही रखना है इसे बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बैटर हमारा सूख चुका है, लेकिन इसे हमें और भूनना है। और कब तक भूनना है कि इसका एक अच्छा सा डो बन के तैयार हो जाए, तब तक के लिए हमें इसे इस तरह से भूनना है चलाते हुए। तो यहाँ पर देखिए भूनते हुए हमने इसका बहुत अच्छा सा डो बना लिया इस पर देखिए। और सारी चीज़ें हमारे बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। और अब हम इसे गैस बंद करके और इसे हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। और इतना ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा बन गया है। और अब हम देखिए एक बर्तन में निकाल के इतना ही हमें ठंडा करना है कि हम हाथ से छू सके इसे। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे यहाँ पे गरम मसाला, इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती है इसको बनाने के लिए। और थोड़ा सा ही हमने 1/2 चम्मच गरम मसाला डाला था। यहाँ पे अच्छा आएगा इसका टेस्ट और कलर दोनों अच्छा लगेंगे। तो यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स हमने डाला जो घर पे ही कूट के तैयार किया था। और उसके बाद हमने इसमें हरा धनिया डालेंगे। आप चाहें तो, आपको पसंद हो तो आप इसमें प्याज भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन मैंने बिना प्याज के ही बनाया है। और इसको हम अच्छी तरह से इस तरह से हम इसे डो इसका फिर से इसको हम मिला लेंगे, मसाले और धनिया जो भी हमने डाला था इसे अच्छा से मिला लेंगे। और यहाँ पे हाथों में हमने थोड़ा थोड़ा तेल लगा लिया है और इसे हम एक बॉल्स का आकार देंगे। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, अगर आप बॉल्स बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बॉल्स आप बना लीजिए। देखिए बहुत अच्छी बॉल्स बन के तैयार हुई। और इसी तरह मैं और भी बॉल्स जो है बना के तैयार कर लूँगी सेम तरह से। और आप साइज अपने मनपसंद अनुसार से रख सकते हैं, बड़ी या छोटी। और इस तरह से देखिए मैंने सारी बॉल्स बना के तैयार कर ली। अब हम इसे फ्राई करेंगे। बॉल्स हमारी बहुत अच्छी बनी थी। और इसे फ्राई करने के लिए आपको जो भी ऑयल पसंद हो, रिफाइंड ऑयल या फिर सरसों के ऑयल, किसी भी ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आपके घर में मैंने बोला था जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उसी के साथ आप बना सकते हैं। और इसे मैं एक एक करके तेल में डाल दूँगी इस तरह से।
और इसे हम बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे करके नहीं पकाएंगे ताकि ऊपर से क्रिस्पी नहीं बनेंगे, जल्दी से हो जाएंगे और अंदर से अच्छे से नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आज हम थोड़ा मीडियम ही रखेंगे और इसे एक चम्मच की सहायता से हल्का हल्का हाथों से चलाएंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बाल्स हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके, इस तरह से देखिए कितने अच्छे कलर आए हैं इसके और बहुत ही कुरकुरा। और इसको छान के निकालने के बाद सबसे ज़रूरी है कि इसमें से तेल नहीं ज़्यादा इसमें लगता और तेल इसके सारे निकल जाते हैं, देखिए तेल दिख नहीं रहा है इसमें। और इसी तरह से हम सारे बाल्स और भी छान के निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चटपटी क्रिस्पी कुरकुरी बाल्स रेसिपी बनकर तैयार है। आप इसे किसी भी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। मैंने इसे इमली की चटनी के साथ बनाया था, मुझे काफ़ी पसंद लगती है इमली की चटनी के साथ। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि कैसी बनी थी। जो फ्रेंड्स पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में अलग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।